नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र राधाकृष्ण मालवीय को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक ली, जिसमें टोंकुर्द को 7 सेक्टर में बांधा है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को आमजन तक पहुँचाने के लिए कहा तथा भाजपा का सांसद कितना निष्क्रिय है यह बात लोगों को बताएं। मोदी ने कभी किसानों की बातें की नहीं, नौजवानों से नौकरी के झूठे वादे किए। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो हम हर महिला को 8,500 रुपये महीना तथा पढ़े लिखे नौजवानों को भी 8,500 रुपये महीना देंगे। कृषि यंत्रों पर जो 18% GST लगा है उसे हम हटाएंगे। MST का भी वादा नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। हम MST लगाएंगे ताकि किसानों को उसकी फसल का बड़ा हुआ मूल्य मिले। कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वर्तमान में कांग्रेस के पास जो कार्यकर्ता हैं वह पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकर, पूर्व विधायक प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस परिवार की, जिसमें सारे वरिष्ठ जन और जो जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस के लिए जीते मरते हैं, उनकी आज महत्वपूर्ण बैठक टोंकुर्द में आयोजित की गई। इसमें मुख्य बात ये थी कि हमारा जो चुनाव का अब घोषणा पत्र बोल रहे हैं, संकल्प पत्र बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, हमारी रीति नीतियों का एक डॉक्यूमेंट है, उसे हमने टोंकुर्द को 7 सेक्टर में बांटा, पूरे ब्लॉक को टोंकुर्द के, और सब वरिष्ठ और कनिष्ठ युवा सब मिलके 7 सेक्टर में उन घोषणा पत्र को घर घर व्यक्तिगत रूप से देने जाएंगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे और BJP का फेल्यूर, सांसद कितना निष्क्रिय रहा कोई जानते ही नहीं, उसको पहचानते ही नहीं, और मोदी जी की बात करेंगे कि किसानों के हित की कभी बात करी नहीं, नौजवानों को सपने दिखाते रहे कुछ किया नहीं, महंगाई के लगाम की बात थी कुछ हुआ नहीं। तो हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें 1,00,000 रुपये महीने महिलाओं को, मतलब 8,500 रुपये महीने एक महिला को, किसान का वो पढ़ा लिखा बेटा जो ग्रेजुएट हो गया है जिसे सरकारी नौकरी की आवश्यकता है उसको छाट के 1,00,000 रुपये सालाना उसको भी देंगे, मतलब 8,500 रुपये महीना जब तक उसको नौकरी या व्यवसाय की व्यवस्था नहीं हो जाती उसको देंगे। और जो कृषि किसान की जान कृषि जो यंत्र है, GST BJP सरकार ने बड़ा भारी लगा रहा है 18%, उस GST को हम कृषि यंत्रों में से हटाएंगे और किसान 750 किसान दिल्ली की बॉर्डर पे मर चुके आंदोलन करते हैं, MSP की मांग आज तक मंजूर नहीं की, झांसा दिया मोदी ने कि हम MSP लागू कर, हम हर उस मोटी फसल का जो आवश्यक है उसकी MSP सरकार बनने के तत्काल बाद जारी करेंगे ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे किसान का अन्न नहीं खरीदे कोई, उसे बढ़ा हुआ मूल्य मिले, बोनस मिले। ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने अभी घोषणा पत्र में दी है और भी बहुत अच्छी योजना है, पर ये मोटी बात जो आम जनता से जुड़ी है ये लेके मेरे साथी 7 सेक्टरों में जाएंगे, एक एक घर पे दस्तक होगी, एक एक घर के व्यक्ति से व्यक्तिगत चर्चा होगी और हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि कांग्रेस को वोट देके देश के संविधान को बचा लीजिए, देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। देखिए इंदौर में किस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार को डरा के, केस का डर बता के, प्रकरण का डर बता के, किस तरीके से कि केस में उलझा दी जाओगे उसका फॉर्म वापस कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या आंखों से भारत का आम नागरिक देख रहा है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं।